तो देखिए भाई लोग, आज जो ये बिल्ड आप देखने जा रहे हो, इस बेड की कॉस्टिंग आ रही है 29,000 कुछ, मतलब 30,000 के आसपास का है। इंटेल बेस्ड है। इसमें भैया हुआ क्या कहानी आपको बताएं, इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं लगा है, 10-23 2GB ग्राफिक कार्ड सुपर में लेके आए। तो ये पीसी है, इसकी कॉस्टिंग आ रही है रफली, आपको हम दिखाएं तो देखो ये देखो 43,000 के आसपास आ रही है। लेकिन इसमें एक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है LG का 24GN600 मॉनिटर है जो कि 14,400 का है, ठीक। तो इसको आप हटा दें तो रफली इनकी कॉस्टिंग आ रही है अराउंड 30,000 के आसपास, ठीक। 30,000 में क्या क्या आ रहा है? तो भैया ये हमारे सुखेंद्र, क्या हाल चाल है आपके, कहाँ रहते हैं जनाब आप? इटौंजा में। कहाँ पर? इटौंजा में। घर का एड्रेस सुना देना बस। इटौंजा उत्तर प्रदेश में बहुत है इतना। अभी तुम तो पीसी क्यों ले रहे हो, किस काम के लिए? नहीं, पीसी मेरा थोड़ा काम है, मेल्स वगैरह बेचनी रहती है। अच्छा, मतलब एक नॉर्मल डे टू डे यूज के लिए ले रहे हो? और थोड़ा कैजुअल गेमिंग जैसा बचपन से था, तो हल्का फुल्का है। ये ग्राफिक कार्ड जिसका जो 10-30 लाया था मेरा ही है, मैंने पहले बहुत पहले इसको बनवाया था, बिल्ड कराया था। अच्छा, पीसी बिल्ड कराया था, वही रखा होगा है। हार्ड डिस्क और एक ग्राफिक कार्ड। देखो क्या क्या सामान इसका रखा हुआ आपको दिखाया हम। देखो इसकी एक ये पुरानी हार्ड डिस्क है, पहले की है रखी हुई, ये हार्ड डिस्क हो गई, और इसका ये रहा 10-30 2GB का ग्राफिक कार्ड हमारा, ये रखा है यही देखिए, ठीक है। ये हमारा रखा है ग्राफिक कार्ड, तो ये भी इसमें लगेगा। उसके अलावा कंपोनेंट क्या क्या यूज हो रहे हैं आपको हम बताते हैं। देखो सबसे पहले हमारी इसमें यूज हो रही है एनटेक की NX200 कैबिनेट, जिसको हम कितने चीज फाड़ करके एकदम वो कर दिया है। ये देखिए, ये रही कैबिनेट, एक और दो फैन आपको इसमें फ्रंट में मिल जाते हैं, एक और ये दो फैन देखिए फ्रंट में मिल रहे हैं आपको। उसके साथ एक फैन इसका सिर्फ फैन में मिलता है ना पीछे? नहीं, केवल दो फैन फ्रंट में मिलते हैं। अच्छा, इसमें दो फैन आपको सिर्फ फ्रंट में मिल जाते हैं। RGB फैन है, कॉन्स्टेंट RGB चलती है, बजट कैबिनेट है और 3000 की रेंज में बेस्ट है। बजट मस्त कैबिनेट है, जबरदस्त कैबिनेट है, ठीक। उसके बाद इसमें जो SMPS यूज हो रही है वो यूज कर रहे हैं देखिए हम लोग, कूलर मास्टर की MWE 550W 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड के साथ आने वाली SMPS यूज हो रही है, वो जो कि फुल सील्ड पैक है, ठीक भाई। और उसके साथ जो मदरबोर्ड यूज हो रहा है, मदरबोर्ड इसमें जा रहा है, कहाँ गया भैया? देखो 30,000 में अगर आपका इंटेल का बजट है तो आप ये ले सकते हो, बस शर्त ये कि आप 12100F ले लो, एक कोई जो है 5-6,000 का ग्राफिक कार्ड लगा लो। तो ये देखो आसूस का प्राइम H610CS DDR4 मदरबोर्ड इसमें आसूस का यूज हो रहा है, जो कि यहाँ से सील्ड पैक, और ये रहा इसका सीरियल नंबर देखिए। और उसके साथ साथ इसमें लग रहा है क्या प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर लग रहा है इसमें? इंटेल का i3-12F12 जनरेशन जो आता है LGA1700 सॉकेट के साथ। और ये देखिए यहाँ से भी आपका फुल सील्ड पैक है, और यहाँ से देखिए आपका फुल सील्ड पैक, ठीक। और उसके साथ साथ इसमें लग रही है जो NVMe लग रही है, वो लग रही है आपकी Acer की FA1500GB की NVMe, जो कि आती है देखिए 5 ईयर्स वारंटी के साथ, और अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, 3500 Mbps के आसपास इसकी रीड राइट स्पीड आती है। और देखिए यहाँ से भी फुल सील्ड पैक, और उसके अलावा ये देखिए आपकी यहाँ से भी फुल सील्ड पैक है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें लग रही है XPG की D30 8GB 3200 MHz की सिंगल स्टिक रैम, और ये रहा इसका 10-30 मतलब 1030 प्रोसेसर 2GB का, जो कि ऑलरेडी ये लेके आया है, सॉरी प्रोसेसर कहेंगे ग्राफिक कार्ड, जो कि लेके आया है और इसमें लग जाएगा। उसके साथ हम सबसे पहले सील को काट दें, और ताकि अंकित भाई आपके काम कर सकें। चलो अंकित आ रहा, अंकित ही काट देगा, मजा आता था यहाँ से। तुम यार समझते हो नहीं बात को, बताते रहो तुम्हें की करके, ठीक भाई। ये गई सील आपकी, इसके बाद रैम की सील देखो, रैम की सील बता दो, ये गई आपकी रैम की सील। उसके बाद ये रही आपकी NVMe की सील, उसके बाद प्रोसेसर की सील उड़ा दो, इधर से नहीं, इधर से नहीं, दिखा चुके सब दिखा दिया हमने, बस सील उड़ा दो यहाँ से, यहाँ इसकी सील गई, और मदरबोर्ड। और बाकी सील चेक करने वाले अवेलेबल हैं भैया यहाँ? हाँ भैया, ये देखिए भाई हमारे ये खड़े हैं, सामने ही खड़े, खुद अपनी सील खुद चेक कर रहे हैं, तो टेस्टेड है भाई, ठीक। ओके, ये गई सील, ठीक भाई। तो हम एक काम करते हैं, सारे कंपोनेंट को अनबॉक्स करेंगे पहले, फिर आपको दिखाते हैं। सो भाई लोग देखिए क्या क्या हमारा काम हो गया। देखिए सबसे पहले हमारा ये रही है SMPS 450W की, कूलर मास्टर की, उसके अलावा सॉरी 550W। उसके अलावा ये रहा हमारा मदरबोर्ड, ये देखिए जो कि आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए मदरबोर्ड हो गया। और उसके साथ साथ ये हो गया हमारा प्रोसेसर इंटेल i3-12100F, और उसके बाद ये रही हमारी 500 GB की, 512 GB की NVMe 3200 read और 2700 write स्पीड, ठीक। और उसके साथ साथ ये हो गई XPG की हमारी D30 3200 MHz की रैम,
और ये हो गया इंटेल का हमारा जो इससे स्टॉक कूलर आता है, ये देखिए स्टॉक कूलर ठीक। ये बचा है ओल्ड जीपीयू, ये ओल्ड जीपीयू भाई साहब हमारे लेके आए हैं 2 जीबी का ठीक। तो अंकित भाई लगाइए, प्रोसेसर कैसे लगाते हैं बताइएगा, बताते नहीं है, टीच नहीं करते हैं आप। सबसे पहले भैया लीवर आपको खोलना है, ठीक है खोल दिया, ठीक है लीवर अब कर देना है। और सीपीयू लगाने से पहले एक तो इसमें एरो बद दिया रहता है और कट दिया रहता है, एरो कट मैच करके सीपीयू आप प्लेस करेंगे। अच्छा ठीक, ध्यान से। और दूसरी चीज, ये इंटेल का मदरबोर्ड है भाई, उंगली लग गई अगर कोई पिन डैमेज हो गई तो लेने देने पड़ जाएंगे, काम हो जाएगा ठीक है। और वो जो कि फिजिकल वारंटी में भी कवर्ड भी नहीं होता है, फिजिकल डैमेज में आता है ये। ओके लगाइए, ठीक है कट टू कट मैच करना है और सिंपल सा बिठा देना है ठीक। उसके बाद लीवर को बंद करना है, बंद करना, देखो हाथ तो नहीं आ रहा है, नहीं हाथ नहीं आ रहा है, ये लगा दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर, ये मतलब प्रोसेसर लग गया है। अच्छा ठीक है, उसके बाद रैम लगाइए आप, रैम भी सिंपल सी है भाई, अभी तो सिंगल रैम है, किसी भी स्लॉट में लगा लो कोई मैटर नहीं है ठीक है। इसमें भी केवल कट ही मैच करना है, आपको ध्यान देना है, अगर आप अनएक्सपेक्टेड पावर लगाएंगे तब इंस्टॉलेशन नहीं होगा प्रॉपर, प्रॉपर अगर कट टू कट मैच रहेगा, प्रेस करेंगे आराम से रैम का इंस्टॉलेशन हो जाएगा ठीक है। ओके जनाब, ठीक है हाँ। अब क्या लगाएंगे आप, अम्मी में भी सेम यही प्रोसेस है, ये सिंगल कट दिया हुआ है हाँ। NVMe का स्लॉट ये दिया हुआ है, इसमें भी कट दिया हुआ है। अच्छा, हम यू लगाना चाहें तो जाहिर सी बात है लगेगी नहीं, अच्छा है कि नहीं भाई, कट टू कट नहीं लग जाएगा, इंस्टॉलेशन ही नहीं हो पाएगा हाँ। यानी कि सिंपल सा अपना कट टू कट मैच करेंगे, प्रेस करेंगे हाँ। और यहाँ पर पेज से टाइट कर देंगे, हालांकि इस बोर्ड में हाँ, पेज की जरूरत नहीं है, लॉक दिया हुआ, अच्छा लॉक दे रखा है, ये लॉक लगा देंगे, ये हो गया, कहाँ पे लॉक दे रखा है, अच्छा ये लॉक दे, पेज लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब में पेज लगा है, इस बोर्ड में लॉक दिया हुआ है। तो ये बंडल हमारा तैयार हो गया, फ्रेंड फैनवर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, मंडी से फैनवर्क के लिए हमें इस बात का ध्यान देना रहता है हाँ, कि जैसे ये लॉक दिए हुए हैं हाँ, ये स्मूथली ओपन नहीं होने चाहिए, अगर ज्यादा मुंह उनके साइजेस बढ़ जाएंगे तो ये इनमें होल जो दिए हुए हैं फंसेगा नहीं, आगे पीछे हो जाएगा तो हाँ, इन नहीं हो पाएगा, वरना सिंपल सा इसको यूं रखना है हाँ, AMD की तरह से पेचकस नहीं चलाना पड़ता है, प्रेस करना रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अलाइन करने के बाद हल्का सा दबा दो, प्रेस किया बस, क्रॉस प्रेस करना पड़ेगा, क्रॉस प्रेस करना ताकि उधर से टाइट ना हो जाता, टाइट हो जाए, ये हुआ, ये आपका प्रेस कर दिया ठीक, ये लॉक हो गया हां, बस फिर सिंपल सा इधर को प्रेस कर दिए, मतलब चारों आपको प्रेस करके लॉक कर देने हैं, लॉक कर देना है भैया, देख लो असेंबलिंग आप लोग सीख लो, क्योंकि भाई आपको सिखा रहे हैं, ये हो गया ठीक, ये हमारा बंडल, बंडल हाँ ये हाँ ये चारों देखो, ये देखो आगे चारों है, ये चारों आ चुके हैं ठीक। So, भाई लोग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए ठीक है, डुअल फैन है, दोनों फैन में RGB है, प्लस ये पूरा सारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, ये देखिए आपको मैं आपको दिखाता हूँ माई कंप्यूटर में, वेट एंड वॉच, देखिए ये रहा, और प्रॉपर्टीज में गए, एक इंटेल 12 जनरेशन वाला XOF 8GB रैम, ये देखिए ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया, ये देखिए, और इसका आपको दिखाते हैं केबल मैनेजमेंट, ये देखिए यह है इसका केबल मैनेजमेंट, देख रहे हैं आप कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अंकित भाई देखिए डल हो गए, गिर गए, परेशान ना हो जाए अंकित, मिल जाएगी यार अंकित, मिल जाएगी यार, ले लिया, अभी क्या हुआ, हम तफरी में बैठे, हमने कहा ये बैठा हुआ है ये, तो हमने इससे कहा ये बताओ यार, जैसे तुम्हारी शादी हुई नहीं है, तुम्हारी शादी हुई तुम दहेज कितना लोगे, तो कह रहा दहेज लड़की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, दहेज तो उल्टा हम दे देंगे, लड़की तो मिल जाएगा, कह रहा दहेज छोड़ो लड़की, कह रहा लड़की मिल जाए सही सलामत हो जिंदा हो भाई, दहेज तो उल्टा हम दे देंगे। सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 30,000 रुपए का सिस्टम है, कोशिश हम लोगों ने यही किया कि बेस्ट से बेस्ट इस सिस्टम को बनाए ठीक भाई। सो अब क्या बताएं, क्योंकि देखो यार थोड़ा सा जल्दी थी, जल्दी उन्होंने पीसी को बनाया और फटाफट रेडी करके चलो रेडी कर दिया, और क्योंकि अब निकलना है घर, मेरी तबीयत गड़बड़ है, भाई भी थोड़ा सा डल हो रहे हैं ठीक भाई। तो कैसा लगा सिस्टम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बाकी और पीसी हैं वो आपको वीडियोज में मिलते रहेंगे, और नया पीसी बाय करना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9532777615, व्हाट्सएप कर दीजिएगा उनको या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, भाई का चैनल पहली बार आप लोग आए हो तो सब्सक्राइब तो करना बनता है ना, कर देना यार, बड़ी मुश्किल से जो है क्या बोलते हैं, बहुत
मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। आप लोग को लगता है कि बस धुआं धुआं बन गई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक भाई, आज आउटरो आउटरो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही दो चैनल आ रहे हैं, एक मिस्टर पीसीओ रिशॉर्ट, मिस्टर शादाब खान, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।